उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच भले ही अभी तक गठबंधन अधर में हो, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को अभी भी उम्मीद है कि दोनों दल साथ आकर हाथ आजमाएंगे। इलाहाबाद में कांग्रेस नेताओं ने एक बैनर लगाया है जिसमें पर्दे के पीछे काम कर रही प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव नजर आ रही हैं। बैनर पर लिखा है कि महिलाओं का डंका बजेगा, साथ ही बैनर पर झूठे वादों से दिलाओ निजात, उत्तर प्रदेश का करो विकास जैसे नारे भी लिखे हैं। इस पोस्टर में कांग्रेस के दो स्थानीय नेताओं इरशाद उल्ला और अनिल चौधरी की भी तस्वीरें लगी हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इन्होंने ही यह पोस्टर लगवाया है। दरअसल काफी वक्त से चर्चा चल रही है कि कांग्रेस और अखिलेश गुट विधानसभा चुनाव में साथ मिलकर हाथ आजमा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पारिवारिक लड़ाई में उलझी है, वहीं कांग्रेस के सामने जनाधार वाले नेता की कमी है। ऐसे में दोनों दलों के एक साथ चुनाव लड़ने से काफी फायदा मिल सकता है। पिछले दिनों खबर आई थी कि गठबंधन के लिए प्रियंका गांधी ने अखिलेश से फोन पर बात की थी। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि चुनाव आयोग का फैसला आने के बाद दोनों नेता रणनीति बनाएंगे कि कितने सीटों पर किस पार्टी के उम्मीदवार लड़ेंगे। वाकई कल तक जो कांग्रेस यूपी में सपा के खिलाफ जहर उगल रही थी, 27 साल यूपी बेहाल के नारे दिए जा रहे थे, वहीं आज दोनों दल गठबंधन की फिराक में हैं। शायद इसी को कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। देखते रहिए डीबी लाइव।